डिजाइन वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देता है सिंगल चार्ज में 140 किलोमीटर की रेंज। जानिए पूरी डिटेल और फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बता दे फिर एक बार नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है जहाँ पे एक बार चार्ज करने के बाद 140 किलोमीटर तक का यहाँ पे माइलेज देने वाला है। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ जान सकते हैं दोस्तों। बढ़िया फीचर के साथ लंबी रेंज वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको आइए दिखाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये फर्स्ट लुक तो देख सकते हैं, ग्रीन कलर का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों। कुछ यहाँ पे ब्लैक कलर भी है, जैसे कि नीचे आपको व्हील वगैरह में ब्लैक कलर मिल जाएगा, सीट आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा, बाकी आपको जो है सो पूरी तरह से ग्रीन है। हेडलाइट देख सकते हैं, स्कूटर वेस्पा की तरह जो है सो हेडलाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रीन कलर का मिरर भी दिया हुआ है। गाड़ी का पूरा डिजाइन जो है देख सकते हैं दोस्तों, ग्रीन कलर का है। दो को यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल रहा है, पीछे में भी इंडिकेटर दिया हुआ है। काफी अच्छा स्कूटर है दोस्तों, स्कूटर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, पेट्रोल गाड़ी जैसा देखने में लग रहा है। अभी सिंगल स्टैंड में ये गाड़ी खड़ा है। तो बात करते हैं दोस्तों, तो एवेरा रेस्टोरोसा इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो फीचर्स और कीमत की पूरी डिटेल जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक टू व्हीलर के सेगमेंट में तेजी से पकड़ बना रहा है, जिसकी वजह से नए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो है सो काफी कम खर्च में अच्छा लंबा रेंज देते हैं, बिना प्रदूषण से करने वाला। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है सो काफी लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसे में अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जान लीजिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में मौजूदा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रेंज, उस स्कूटर के बारे में डिजाइन और डिटेल की पूरी जानकारी, साथ साथ माइलेज भी आपको बताए जा रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी एवेरा। जी हाँ दोस्तों, बता दें एवेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर के एवेरा रेट्रोसा के बारे में, जहां पर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, रेंज, बैटरी बैकअप और इसके अलावा पूरी फीचर्स की डिटेल देखा यहाँ पे हम लोग देने जा रहे हैं। बात करते हैं तो स्कूटर की बैटरी और पावर की बात करें तो कंपनी इसमें 3.4 किलोवाट की क्षमता वाला लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है, जिसके साथ ही आपको बता दें 3000 वाट का जो है पावर वाली मोटर दी गई है जो कि BLDC तकनीक पर है। इस बैटरी चार्जिंग को लेकर के कंपनी का दावा है दोस्तों, नॉर्मल चार्ज से चार्ज कीजिएगा मात्र 3 से 4 घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो स्कूटर की रेंज को लेकर के कंपनी का दावा है, एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये स्कूटर 140 किलोमीटर का रेंज देता है। वहीं इस स्कूटर की बात खास बात है दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड के साथ 140 किलोमीटर चलेगा। आगे सिस्टम की बात करें तो कंपनी इसके फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक दिया है और रियर व्हील में भी डिस्क ब्रेक लगाया गया है। आपको बता दें जिसके साथ अलॉय व्हील के साथ आपको ट्यूबलेस टायर भी यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों गर्मी में पंचर नहीं होगा। आगे बात करते हैं फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स की बात करें तो इसमें पुश बटन मिल जाएगा, उसके बाद डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल मिल जाएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, डिजिटल ट्रिप मीटर मिल जाएगा, ऑडोमीटर मिल जाएगा, उसके बाद डिजिटल फ्यूल गोज मिल जाएगा, 3 राइडिंग मोड मिल जाएगा, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, टर्न सिग्नल लैंप, लो बैटरी इंडिकेटर, जैसे कई सारे फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो स्कूटर के डायमेंशन की बात करें तो इसमें बता दें 700 mm चौड़ा है, वहीं 1875 mm लंबाई है, उसके बाद ऊंचाई की बात करें तो 1140 mm बनाया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुल जो है सो 180 किलो वजन यहाँ पे जो है सो लाद करके चल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें 180 किलो वजन लोड करके आसानी से चल सकते हैं। आगे बात करते हैं तो कीमत की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1,28,000 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा गया है। इस स्कूटर की यह शुरुआती कीमत ही ऑन रोड कीमत है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ऑन रोड कीमत मात्र 1,28,000 रुपये है। सरकार इसमें अलग से आपको सब्सिडी दे देगी, स्टेट सरकार और आपका केंद्र सरकार दोनों सब्सिडी दे देगी। तो सब्सिडी मिलने के बाद आपको ये 1,00,000 के आसपास में ये गाड़ी मिल जाएगा, तो ये गाड़ी आप ले सकते हैं दोस्तों। एवेरा रेस्टोरा इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ से ये गाड़ी आ रहा है। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।